आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शारल्स किचन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चाइनीज़ रेसिपी वाइट सॉस पास्ता। पास्ता मार्केट में कई तरह के आते हैं, आज मैं आपको मैक्रोनी पास्ता बनाना बताऊंगी। तो चलिए हम अपना चीज़ी वाइट सॉस पास्ता कैसे बनाएं ये शुरू करते हैं। हमें चाहिए 250 ग्राम मैक्रोनी पास्ता, आप किसी भी शेप का ले सकते हैं। हमने पतीले में पानी चढ़ा दिया है और उसमें एक टीस्पून नमक डाल दिया है, 2 टीस्पून ऑयल डाल देंगे ताकि पास्ता आपस में ना चिपके। पानी बॉईल हो गया है, हम मैक्रोनी इसमें डाल देंगे। हमें मैक्रोनी को इतना गलाना है कि वो उसका शेप ना चेंज हो, इसको कम्प्लीटली कुक कर लेना है। अब ये गल चुका है, हमने ड्रेन कर दिया है। ड्रेन करके हम इसमें ठंडा पानी डाल देंगे ताकि मैक्रोनी ओवर कुक ना हो जाए। अब एक पैन में हम 1 टेबलस्पून बटर डाल देंगे। बटर जैसे ही पिघलेगा हम इसमें वेजेस डालेंगे। एक छोटी प्याज हमने चॉप कर ली है, डाल दी है। एक रेड शिमला मिर्च डाल दी है चॉप करके, और इसी तरह ग्रीन शिमला मिर्च चॉप करके डाल दी है। इसको सॉटे करेंगे। आधा कप हमने स्वीट कॉर्न डाल दिया है, अब इसको हम 1 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। साथ ही साथ 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च डाल देंगे। 1 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे, इसको ज़्यादा हमें नहीं गलाना है, इसका क्रंचीपन नहीं जाना चाहिए, बस 1 मिनट के लिए सॉटे करना है। बस हमारी वेजेस सॉटे हो गई हैं, हम एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। अब हम 2 टेबलस्पून बटर डाल देंगे। जैसे ही बटर पिघलेगा हम 2 टेबलस्पून मैदा इसमें डाल देंगे। इसको भूनेंगे, इसको ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए, इसका कलर नहीं बदलना चाहिए। बस अब हमारा मैदा भून चुका है, हम इसमें धीरे धीरे करके 1 कप दूध डालेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। थोड़ा थोड़ा दूध डालें और जल्दी जल्दी चलाते जाएं। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा दूध करके पूरा दूध डाल देंगे 1 कप। और 3 कलियां हमने लहसुन कद्दूकस पे ग्रेट कर ली थी वो भी डाल दी हैं। 1/4 टीस्पून काली मिर्च इसमें डाल देंगे और 1/4 टीस्पून नमक भी इसमें डालेंगे। इस टाइम पे फ्लेम लो होनी चाहिए, बिल्कुल धीमी आंच कर दें और इसको मिक्स कर दें। देखिए हमारा सॉस गाढ़ा हो गया है, बस हमें थोड़ा और गाढ़ा करना है। देखिए इसमें कोटिंग आने लगी है स्पून पर, बस ऐसी जब कोटिंग आने लगे तब हमारा सॉस तैयार हो गया है। अब हम इसमें चीज़ स्प्रेड डाल देंगे 2 टेबलस्पून। अगर आप चीज़ क्यूब डालना चाहें तो इसके बदले चीज़ क्यूब भी डाल सकते हैं। डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम वेजेस डालेंगे इसमें जो हमने सॉटे करी थी। सारी वेजेस इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैक्रोनी भी डाल देंगे। अब देखिए ये हमारा पैन छोटा पड़ रहा है तो हमने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है दूसरे पैन में। इसमें हमने ऑरिगेनो 2 पैकेट छोटे पैकेट डाल दिए हैं। अब 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे, 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे।
अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक मनचाही डिश में सर्व करेंगे। ऊपर से चुटकी भर ऑरिगैनो और चुटकी भर चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे। हमारा वाइट सॉस पास्ता तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी बना है। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि इसी तरह आपको मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दुआओं में याद रखें, फिर हाज़िर होंगी मैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।